सोनीपत के डिपो में रखे इस अनाज को ध्यान से देखिए। अनाज की ये बोरियां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यहां लाई गई हैं। मगर जब इन बोरियों को गरीबों में अनाज बांटने के लिए खोला गया तो डिपो होल्डर और राशन लेने वाले सभी हैरान रह गए। अनाज पानी में भीग कर इस कदर सड़ गया है कि उसमें से बदबू आने लगी है। सड़ गल के अनाज काला पड़ गया है और अब अधिकारियों की लापरवाही तो देखिए, यही अनाज डिपो में गरीबों को बांटने के लिए भेज दिया गया है। कब आया है? ये अब से गोदाम में। आपने शिकायत की इसकी? हाँ, बदल भी दिए थे कट्टे, कितने बाकी और बदलवाने? कितने कट्टे खराब आए हैं? ये टोटल आए थे भैया, पहले तीन तो पहले बदलवाए थे और पांच ये हैं। अच्छा, बदलवाने जा रहे हो? इसको बांटा भी गया है जनता? नहीं नहीं, वो इसको सेपरेट रख दिया था, बांटा साफ क्यों देख के। कब आया था ये? ये 18-19 से पहले आया था। तब से यही रखा है? क्यों उससे पहले बदलवाने की कोशिश नहीं की? उससे पहले तीन कट्टे थे जो मैंने देखे थे, वो बदलवा दिए थे। अच्छा, ये अनाज कैसा है आपके? बदबू आ रही है। ये अनाज भी है, बारिश का भीगा हुआ है। बारिश का भीगा हुआ? बदबू आ रही है। बदबू आ रही है। जो अधिकारी क्या बोले? नहीं, और उन्हें टाइम टू टाइम बदलवा दिया था अधिकारियों ने, उनकी कोई वो नहीं थी। अब ये फोन आया था। कौन सा डिपो है ये? ये गड्डी ब्राह्मणा का। गड्डी ब्राह्मणा डिपो? आप डिपो होल्डर हो? लोगों ने शिकायत भी की इसकी, क्योंकि बेकार ना जाए हुआ। जो खराब भी था लोगों, मैंने पहले ही कार्ड निकाल दिया था। दिया नहीं किसी को? नहीं, किसी को नहीं दिया, सबको साफ दिया। बाकी वो छोटी मोट तो खराब आता ही है, थोड़ा मोटा तो ओडंगा होता ही है। बाकी एक और मैंने बदलवा दिया, अभी इसको बदलवाने जा रहा हूँ। वो तो गनीमत है कि डिपो होल्डर ने सड़ा हुआ अनाज देखते ही सभी कट्टों को साइड रखवा दिया था। अगर ये राशन गरीबों को दिया जाता तो जाहिर है इससे लोग बीमार हो सकते थे और सरकारी योजना पर सवाल खड़े होते वो अलग से। गढ़ी ब्राह्मण गांव में मौजूद इस डिपो में सड़ा हुआ अनाज मिलने की खबर जब अधिकारियों के कान तक पहुंची तो उन्होंने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। आपके माध्यम से हमें सूचना मिली है कि जो राशन है वो ठीक नहीं पहुंचा है। इस विषय पे हमने DFSC साहब को जांच के लिए और आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए जा चुके हैं। मैम, बार बार गलाशड़ा राशन डिपो पे पहुंचता है, डिपो होल्डर भी इससे परेशान है काफ़ी। नहीं, जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध नियम सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत के बाद प्रदेश और देश में जगह जगह सत्ताधारी पार्टी के नेता इस योजना का शुभारंभ करने के लिए एकत्रित होते हैं और गरीबों को थैलों में डालकर अनाज देते हुए फोटो भी खिंचवाते हैं। लेकिन सोनीपत में शायद नेता डिपो में आना चेक करना ही भूल गए हैं। यहाँ पर अधिकारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर ग्रहण लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 8 कट्टे खराब अनाज के अभी तक निकले हैं, जिनमें से कुछ वापस कर दिए गए हैं, जबकि बाकियों को भी वापस करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखना होगा जब जांच होगी कि ऐसे अनाज को डिपो तक भेजने वालों पर कोई कार्यवाही होती है या नहीं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।